गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम साउंड का चैप्टर कर रहे थे, उसमें टॉपिक है शोर एंड संगीत। शोर तथा संगीत, शोर जो होता है बेटा वो नॉइस होता है, संगीत जो होता है वो म्यूजिक होता है। दोनों में डिफरेंस होता है ना। जब आप परेशान हो जाते हो या आपको खुश भी होते हो तो भी आप म्यूज़िक सुनना पसंद करते हो, या फ्री टाइम होता है तो म्यूज़िक से आपके मन को और भी अच्छा लगता है, तो आपको सुखद अनुभव होता है, ठीक है ना, सुखद एहसास होता है। लेकिन वहीं आप चले जाओ कहीं, मान लो आप मार्केट में जा रहे हो, सब जगह कोई हॉर्न बजा रहा है, कोई ट्रक, कोई बस, कोई सब, तो वहाँ पे आपको अच्छा नहीं लग रहा होता, क्योंकि क्या होता है वो शोर होता है। तो इसका मतलब क्या है कि शोर क्या होता है कि ऐसी अप्रिय ध्वनियाँ जिससे हमें सुखद अनुभव नहीं होता, उनको हम क्या कहते हैं, शोर कहते हैं, नॉइस कहते हैं, ठीक है। दूसरी ओर जो हमारा म्यूज़िक होता है, म्यूज़िक को सुनने से हमारा जो माइंड होता है वो शांत होता है, तो ऐसी जो म्यूज़िक होता है उसको हम क्या कहते हैं, संगीत जो सुस्वर होता है। सुस्वर का मतलब जो अच्छा म्यूज़िक होता है, तो सुस्वर ध्वनि जो होती है, जो अच्छी तरीके से मृदु लहजे में बोली जाती है, या कोई काव्य पाठ किया जाता है, या कोई गाना गाया जाता है, तो वो क्या है, सुस्वर है। हारमोनियम बजा रहे हो तो सुस्वर ध्वनि है, सितार से आवाज़ निकल रही है, सुस्वर है। लेकिन अगर संगीत भी जो उसकी ध्वनि जो निकल रही है, अगर उसकी कोई प्रबलता बढ़ा दे, तो फिर वो जो संगीत जो है वो क्या बन जाएगा, वो शोर बन जाएगा। बात समझ में आई? क्योंकि संगीत की जो ध्वनि की क्वालिटी है उसमें प्रबलता थोड़ी सी कम रखी जाती है। अगर प्रबलता बहुत ज़्यादा बढ़ा दे, फॉर एग्जांपल आप गिटार ले लो या सितार ही ले लो, आप ज़्यादा उसको हार्श तरीके से बजाओगे तो आप अच्छा नहीं बजा पाए। आप यही समझ लो ना, आप जब बजाते हो और एक जो म्यूजिशियन है जब वो बजाता है, तो दोनों में फ़र्क होता है कि नहीं होता है? आप बजाते हो तो म्यूज़िक नहीं लगता, शोर लगता है, क्योंकि आपको यही नहीं पता कि कितना लेवल तक उसको आपने टच करना है, स्ट्रिंग को या कीज़ को, तो अच्छा म्यूज़िक आए। बट म्यूज़िक वाले को पता होता है कि यहाँ से इतना टच करने से अच्छी आवाज़ आती है, अगर मैंने ज़्यादा कर दिया तो ख़राब आवाज़ आ जाएगी, वो शोर बन जाएगी। तो म्यूज़िक जो होता है वो सुस्वर ध्वनि होती है, ठीक है ना। अगर उस म्यूज़िक की प्रबलता बढ़ा दें हम, लाउडनेस इंक्रीज़ कर दें, तो फिर वो हमारे कानों के लिए शोर हो जाएगी, फिर उससे हमें सुखद अनुभव नहीं होगा, अच्छा एहसास नहीं होगा। अब बात करते हैं हम ध्वनि प्रदूषण की। बेटा वायु प्रदूषण सुना होगा आपने, वायु प्रदूषण होता है जिसमें हम हमारी जो वायुमंडल है उसके अंदर अवांछित चीज़ों को डाल देते हैं, चाहे वो आ जाएं, चाहे जलाने से आएं, चाहे किसी और चीज़ से आएं। उसी तरीके से ध्वनि प्रदूषण भी होता है, साउंड पोल्यूशन भी होता है। साउंड पोल्यूशन का मतलब क्या है? ध्वनि प्रदूषण का मतलब है कि जो हमारे वातावरण में ना अवांछित ध्वनियाँ जो नहीं चाहिए हमें, या ज़्यादा हो गई हैं, तो एक तरीके से शोर हो गया जैसे, वो एक अवांछित है। ज़्यादा आप थोड़ा बहुत बोलोगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हद से ज़्यादा बोलने लग जाओगे तो फिर क्या हो जाएगा, वो अवांछित ध्वनि होगी। जैसे तुम क्लास में चुपचाप बैठे हो, थोड़ी बहुत बातें करो, इट्स ओके, इट्स नॉर्मल, बट सारे यहीं कोई कहाँ से चिल्ला रहा, कोई कहाँ से चिल्ला रहा, तो फिर क्या आपको अच्छा लगेगा वहाँ पे बैठना? नहीं लगेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे वातावरण में अगर हम अत्यधिक या अवांछित ध्वनियाँ प्रोड्यूस कर देते हैं, तो वो ध्वनि प्रदूषण होता है। इसीलिए जैसे कभी आपने देखा होगा तो ज़्यादा बिना बात हॉर्न बजाना भी एक क्राइम माना जाता है ड्राइविंग के लिए, बिना बात हॉर्न बजाए तो वो भी क्या कर रहा है, एक ध्वनि प्रदूषण कर रहा है ना। इसीलिए पटाखे फोड़ते तो कितनी आवाज़ें आती हैं, लाउड स्पीकर है कहीं पर, डीजे बज रहा है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो नॉइज़ पोल्यूशन कर रहे हैं। आप डिस्टर्ब होते हैं ना जब साथ में कोई बड़ा म्यूज़िक चला रहा होता है वो ज़ोर ज़ोर से, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब प्रबलता बढ़ा दी ना उन्होंने, अब वो क्या हो गया, वो म्यूज़िक नहीं रहा, वो अब शोर हो गया आपके लिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से ध्वनि प्रदूषण होता है हमारे वातावरण के अंदर। अब इसके बाद ध्वनि प्रदूषण की हानियाँ क्या हैं, कि क्या हानि हो सकती है, हो क्या जाएगा अगर चारों तरफ शोर सुनाई देगा, तो आप ये सोच के देखो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका, आपके घर में आप दो मिनट के लिए फुल वॉल्यूम में टीवी चलाओ, फुल वॉल्यूम, मैं सिर्फ एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोल रही हूँ आपको, आपको कैसा लगेगा? एक ऐसा लगेगा, अरे बंद करो इसको, बंद करो, कितना तेज़ आवाज़ है कि सुनाई नहीं दे रहा कुछ भी और अच्छा नहीं लग रहा। तो अगर ऐसा शोर
हमारे वातावरण में जा रहा है, तो हम एक तरीके से क्या कर रहे हैं, ध्वनि प्रदूषण कर रहे हैं। और उस ध्वनि प्रदूषण से होता क्या है, सबसे पहले तो ध्वनि प्रदूषण से नींद नहीं आती। आप कभी भी देखना कि कई लोग ये बोलते हैं, भाई टीवी बंद कर दो, शोर मत करो, नींद आ रही है मुझे, डिस्टर्ब मत करो। तो क्या होता है, इसका मतलब नींद नहीं आती है, नींद में आने में समस्या हो जाती है, स्लीपिंगनेस हो जाती है, उनके अंदर स्लीप आती नहीं है, स्लीपिंगलेसनेस, इसका मतलब अनिद्रा हो जाती है उन्हें, ठीक है, नींद नहीं आती उनको। अति तनाव का मतलब होता है बेटा हाई ब्लड प्रेशर, उनका टेंशन बढ़ा देता है। दूसरा चिंता, चिंता मतलब वरीज, आपकी एक तरीके से ये चिंता, अरे कुछ होने वाला है, अरे कुछ हो रहा है, अरे मैं इतनी टेंशन में हूँ, ये काम करना है, वो काम करना है, तो वो चिंता। और बहुत सारी अन्य विकार भी हो सकते हैं, क्योंकि हमारा माइंड सही नहीं है ना। जब हमारा माइंड शांत होता है ना बेटा, हमारी पूरी बॉडी सही काम करती है। लेकिन जब ध्वनि प्रदूषण हम देखते हैं, जब हमें बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, हमारे मन को अच्छा नहीं लगता, हमारे दिमाग को अच्छा नहीं लगता। और अगर हमारा दिमाग शांत नहीं होगा ना, हमें कोई ना कोई बॉडी प्रॉब्लम ज़रूर होगी बेटा, ये नॉर्मल है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात क्या है, आपके कानों में जा रही है वो इतनी प्रबल ध्वनि, तो जिसकी वजह से क्या होने वाला है, थोड़ी देर में उसकी जो क्षमता है सुनने की, वो या तो कम हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी। तो इसका मतलब हमें नॉर्मल आवाज़ में सारी चीज़ें सुननी चाहिए। अगर आप म्यूज़िक सुन रहे हो तो भी नॉर्मल आवाज़, टीवी देख रहे हो तो भी नॉर्मल आवाज़ में, ज़्यादा तेज़ आवाज़ ना करें, आपके दूसरे जो पड़ोस में लोग रहते हैं उनको भी प्रॉब्लम हो सकती है उससे, और आपको तो होगी, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें ध्वनि को नियंत्रित करना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया ध्वनि प्रदूषण के लिए। अब नियंत्रित कैसे करें, जैसे कई बाइक्स वगैरह होती हैं, उनमें लगा होता है ना साइलेंसर। साइलेंसर का मतलब क्या है कि वो एक तरीके से क्या कर रहा है, जो ध्वनियाँ हैं उनका जो शोर ज़्यादा होने वाला था उनको थोड़ा सा कम कर देता है, ठीक है ना। तो कई मशीनों के अंदर साइलेंसर लगाया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो ध्वनि प्रदूषण है उसको कम किया जा सके, ठीक है। और थोड़ा बहुत ध्वनि प्रदूषण तो हम भी कम कर सकते हैं, है ना। टेलीविजन धीरे करके, संगीत को अपने नॉर्मल, आप अपने जो लीड होती हैं उनके उनसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। ईयरफोन्स होते हैं उनसे यूज़ कर सकते हो। जो गाड़ियाँ चल रही हैं उनको आप, अगर ज़रूरत नहीं है तो हॉर्न ना बजाएं बिना बात के। तो ये सब क्या है, ये हम अपने क्या कर सकते हैं, ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए इंतज़ाम कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो पेड़ जो है उन ध्वनियों को रोक देंगे, क्योंकि उनके आगे रुकावट आ गई ना, रुकावट आ गई। आपको पता है ध्वनि को प्रोपगेट करने के लिए क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। अब वो वहाँ से टकराएगी तो वहाँ पे कुछ हद तक रह जाएगी। तो जैसे हम ढक लेते हैं अपने कानों को, तो हमारे हमने दीवार बना ली ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो ध्वनि अंदर नहीं आएगी। उसी तरीके से अगर बहुत ज़्यादा पेड़ होंगे तो ध्वनि की मात्रा जो है वो कम आएगी। होगा तो सही, प्रदूषण दूसरी जगह पे होगा जहाँ पे हो रहा है, लेकिन वो रिहायशी इलाकों में नहीं आएगा, क्योंकि रिहायशी इलाकों में ज़्यादा पेड़ लगाए हुए हैं, ठीक है। तो वो ध्वनि प्रदूषण से हमें जितना हो उतना हम कम कर सकते हैं, उतना हमें करना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद कई बार ये आपने देखा होगा, जो बच्चे होते हैं किसी किसी को जन्म से ही सुनाई नहीं देता, उनके कान में हो सकती है कोई प्रॉब्लम हो, श्रवण क्षति हो जाती है। इसका मतलब, श्रवण क्षति का मतलब है कि उनको सुनने में दिक्कत हो सकती है, ठीक है ना। कई होते हैं ना जो डीफ होते हैं, डीफ मतलब जिनको सुनाई नहीं देता है, तो उनको फिर थोड़ा सा कभी थोड़ा सा उनको ध्यान से रखना पड़ता है, क्योंकि उनको सुनाई नहीं दे रहा, तो साइन लैंग्वेज यूज़ करते हैं। साइन लैंग्वेज, जैसे आपने कई बार टीवी में न्यूज़ भी आती है तो कई बार साइन लैंग्वेज वाली आती है, देखा है कभी, वो अलग अलग इशारों में बातें करते हैं, मतलब हमें सुन, हमारे हमारे लिए तो बोला ही जा रहा है, लेकिन प्लस में साइन लैंग्वेज भी होती है, ताकि जिनको सुनाई नहीं दे रहा वो उस साइन लैंग्वेज को यूज़ करके, अपने अप्लाई करके उसको समझ सके कि क्या न्यूज़ आ रही है, ठीक है। तो वो हो गया, और ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया इसी के साथ। तो ये तो बहुत छोटा चैप्टर था, हम देख लेते हैं, अगर हमें कुछ इसमें से नहीं समझ में आया था तो दोबारा से देख लेते हैं। देखो बेटा, जो प्रमुख शब्द आए थे वो हम कर लेते हैं एक बार, ताकि हमें रिवीजन भी हो जाए हमारा। आयाम जो होता है बेटा, उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड होता है वो क्या था, जो साउंड वेव होती है ना, जैसे मान लो ये साउंड वेव है, तो मीडियन पोजिशन से जो क्रस्ट होता है इसकी दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन क्रस्ट एंड मीडियन पोजिशन, या ये ट्रफ होता है बेटा नीचे वाला,
मीडियन पोजीशन से ट्रफ की दूरी, इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। एम्पलीट्यूड जो होता है वो प्रबलता जो होती है किसी ध्वनि की, आयाम जो होता है वो किसी ध्वनि की प्रबलता डिसाइड करता है, एम्पलीट्यूड जो होता है वो किसी साउंड की लाउडनेस डिसाइड करता है, ठीक है। दूसरा आता है हमारे में करण पटह, करण पटह जो होते हैं हम अपनी कान का जो पर्दा होता है उसे बोलते हैं, ठीक है। आवृत्ति, आवृत्ति होता है दोलनों की संख्या प्रति सेकंड, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको। हर्ट जो होती है वो फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है। कंठ जो होता है वो लैरिंग्स को बोलते हैं। लैरिंग्स जो होता है हमारा वॉइस बॉक्स होता है, वॉइस बॉक्स मतलब वाक यंत्र, ठीक है ना। तो ये होता है वाक यंत्र जिससे हमें बोलने में मदद मिलती है। प्रबलता अभी बताया था, कितनी दूर तक आवाज़ जाएगी वो प्रबलता है। शोर, जो ध्वनि हमारे लिए अप्रिय है वो शोर होता है। दोलन, दोलन होता है जब भी कोई वस्तु कंपन कर रही होती है, ठीक है, तो वो बार बार एक ही पोजीशन पे बार बार आती है तो वो क्या कर रही है, दोलन कर रही है। तारतव, तारतव जो होता है बेटा वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, जिस ध्वनि का आवृत्ति ज़्यादा होगी उसका तारतव भी अधिक होगा। तारतव मतलब होता है तीखापन, कितनी तीखी आवाज़ है। ज़्यादातर जो फीमेल्स होती हैं उनकी आवाज़ तारतव के साथ ज़्यादा होती है क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है आवाज़ के अंदर, साउंड वेव्स जो उनकी होती हैं ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की होती हैं तो ज़्यादा तारतव होता है, ज़्यादा पिच होती है। तारतव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। आवर्तकाल, आवर्तकाल होता है टाइम पीरियड, एक वेव द्वारा एक दोलन के लिए लिया गया समय, ठीक है ना, एक दोलन के लिए लिया गया समय जो होता है वो आवर्तकाल कहलाता है। टाइम टेकन बाय या टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। कंपन, कंपन तो वाइब्रेशन होता है, हमारी कोई भी जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो कंपन की वजह से होती है, वाइब्रेशन की वजह से होती है। वाक यंत्र वोकल बॉक्स को बोलते हैं जो हमारे बोलने में मदद करता है। श्वास नली, जो हमारी श्वास नली होती है, विंड पाइप जिसे बोलते हैं, जहाँ से हम सांस लेते हैं उसी के ऊपर ये कंठ के पास क्या होता है, वॉइस बॉक्स होता है। वॉइस बॉक्स जो होता है उसमें दो वोकल कॉर्ड्स होती हैं, वाक तंतु होते हैं, और उनके बीच में थोड़ी सी जगह होती है, उस जगह में से ही जब वायु गुजरती है तो कंपन करने लग जाते हैं और उस कंपन से ही आवाज़ प्रोड्यूस होती है। तो आज बेटा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, कल हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास।